नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर तिलौथू से आ रही है। नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। तिलौथू प्रखंड क्षेत्र के तिलौथू पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 5 में 4 बच्चों की शुक्रवार की शाम माँ तुतला भवानी के झरने के पानी अचानक तेज हो जाने से नदी में पानी बढ़ गया, जो माँ तुतला भवानी से निकल कर सोन नदी में गिरती है। उसी नदी में 4 बच्चों की डूबने से तिलौथू हाई स्कूल के समीप मौत हो गई। सभी बच्चे 10 से 12 साल के हैं। डूबने की सूचना मिलने पर आनंद फानन में परिजन उन्हें तिलौथू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में बताया जाता है कि चारों बच्चे एक ही जगह के रहने वाले हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि इन सभी बच्चों का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 4 बच्चों के खोने के गम में परिवार के साथ ही तिलौथू के आम जनमानस की आंखें भी नम हो रही है और लोग मृत बच्चों के घर सांत्वना देने पहुंचने लगे हैं। जो सर डूबा हुआ बच्चा आपके पास आया था? 4 बच्चा आया था डूबा हुआ जी, जिसको कि चेक किए तो पता चला उसका तो हार्ट था ही नहीं है, उसके लिए पूरी डायलेटेड था। नहीं आया, वो मरा ही होगा, पहले से ही था। बच्चों को लेकर क्या रहोगे सर? उम्र वही 10 से 12 के बीच में सब बच्चे को उम्र है। सब एक ही परिवार के? सब नहीं, उसमें से 3 एक परिवार का था, एक तो उसका चचेरा या पड़ोस का बच्चा था। अभी बच्चों की डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी यहाँ से तो ले गया, सुनने आया बॉस में ले गया, फिर वो बॉसों वाला वहाँ बोला है कि बॉस क्लिनिक ये ऑलरेडी डेथ है, तो वहाँ से शायद रिटर्न ले आ रहा थाना वाला, उसको ले जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। ये सब बताया कि बच्चों का बॉडी का पोस्टमार्टम होगा जैसा? हाँ होना तो चाहिए, बॉडी बिना डूबा हुआ है तो लीगली हो गया ना, कानूनी हो गया, उसको कानूनी तो पोस्टमार्टम। कहाँ का बच्चा था सर? बच्चा बगल के सरैया कोई गांव का बगल का बच्चा था। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर दयानंद प्रसाद। जिनके बच्चों के एडमिशन के लिए लगातार स्कूल प्रबंधक अभियान चला रहा है, वही पतलुका विद्यालय ने पूरे जिले में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। स्कूल के भवन को ट्रेन के डिब्बों की तरह सजाया गया है।